नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोम जावेद और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी फ्रोजन शोल्डर जैसे मेन समस्या के बारे में, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करने के लिए एक्सटर्नल रोटेशन वाली पोजीशन में जाके ट्राई करते हैं। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मूवमेंट में लॉस आने पर फ्रोजन शोल्डर होने की जो कंडीशन होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। हमने इसके पुलाव को होल्ड करते हुए एक्सटर्नल रोटेशन वाली कंडीशन को यहाँ पे फॉलो किया और हमने इसको मूवमेंट को यहाँ से कराना शुरू किया। ठीक है, अब अगर ये मूवमेंट जो है 50% लॉस इसका मूवमेंट का हो रहा है, ठीक है, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है दूसरे हाथ के कंपैरिजन में, ठीक है, और 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पर ये नहीं जा पा रहा है, तो ये टेस्ट जो है पॉजिटिव माना जाएगा। यानी कि ये कोरेकोइड प्रोसेस से हमने इसको फॉलो करके इसको दूसरे हाथ से कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट टेस्ट जो हमने कोरेकोइड प्रोसेस से फॉलो करके किया। अब हम इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं चेक कि किस प्रकार के पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर है या नहीं। अलग अलग प्लेन्स में हम अलग अलग मूवमेंट में इसको चेक कर सकते हैं और फिर दूसरे हाथ के मूवमेंट से कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने शोल्डर को एबडक्शन में लिया, शोल्डर का जो एबडक्शन है अगर ये भी 30% से लॉस जा रहा है, रेंज ऑफ मोशन इसकी 30% से लॉस जा रही है, ऊपर उठ नहीं पा रहा है, उठाने पर पेशेंट को पेन आ रहा है, स्टिफनेस है, तो वहां भी फ्रंट शोल्डर वाली कंडीशन जो है पॉजिटिव मानी जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रंट शोल्डर के अंदर अगर हम चेक करेंगे शोल्डर फ्लेक्शन वाली कंडीशन, तो अगर शोल्डर फ्लेक्शन में पूरी तरह से मूवमेंट नहीं जा रहा है और वहां भी अगर जो है 30% से ज्यादा लॉस मूवमेंट का हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन का हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है, ऊपर हाथ नहीं जा पा रहा है, स्टिफनेस आ रही है, तो वहां भी जो है प्रोजेक्ट शोल्डर पॉजिटिव पाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट शोल्डर को डायग्नोसिस करने का तरीका है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आगे आने वाले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे और तरीके से जानेंगे कि प्रोजेक्ट शोल्डर के अंदर किस किस तरह की एक्सरसाइज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।